बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ, अगर आप खुदा न खास्ता किसी परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला दूर फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, और हम सबको किसी का भी मोहताज न बनाए अल्लाह अपने सिवा, आमीन। व्यूअर्स, मेरी आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज थी कि ऐसा कोई वजीफा दिया जाए कि इज्जत हासिल करने के लिए, खास तौर पर ससुराल में, लड़कियों का ससुराल में हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जब ससुराल जाए तो वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से यानी मुकाम दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है। तो जो शादी यानी कि ससुराल जाती है, तो आज का वजीफा इस टॉपिक पर है कि इज्जत हासिल करने का कोई वजीफा बता दिया जाए, यानी कि वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ना सिर्फ ससुराल बल्कि आप कहीं भी इज्जत हासिल करना चाहते हैं, किसी जगह भी अपना मकाम बनाना चाहते हैं, तो आज का वजीफा इस टॉपिक पे है कि इस अमल को करने से, जब आप इसको बाकायदगी से शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन में तो असर नहीं करेगा, आप इसको जब बाकायदगी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, रूटीन बना लेंगे, करना शुरू कर देंगे, कम अज़ कम 10 दिन जब लगातार आप इस अमल को कर लेंगे कि बाद जाके आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रॉपर अल्लाह के जिक्र को जब हम अपना आदि बना लेते हैं अपने आप को अल्लाह के जिक्र का, फिर जाके हमें उसका जो है ना रिजल्ट मिलना शुरू होता है। आपने इस वजीफे को शुरू जरूर करना है लेकिन छोड़ना नहीं है। ये ऐसा वजीफा है, इसको आप जिक्र में अपने रोजमर्रा के जो आप जिक्र अज़कार करते हैं उनमें शामिल करेंगे, ठीक है। आपने फजर की नमाज के बाद, ठीक है, आपने फजर की जब नमाज अदा करनी है, जहाँ आप बहुत सारी तस्बीहें पढ़ते हैं, वहाँ एक तस्बीह अल्लाह ताला के इस नाम की पढ़ ले, और इसको पूरी तस्बीह भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने 41 टाइम आपने अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ना है इज्जत हासिल करने के लिए। खास जो लड़कियाँ ये चाहती हैं कि उनके जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है वो चाहती हैं कि हर कोई उनको इज़्ज़त की नज़र से देखे, हर कोई उनकी इज़्ज़त करे, उनको रुतबा दे, उनको मकाम दे, उनकी उनकी बात को अहमियत दे, वहाँ पर ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा काम करता है। आपने अल्लाह का नाम या अज़ीज़ु, ठीक है, ये अल्लाह का नाम है, और ये ऐसा नाम है कि अगर आप किसी से अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं तो आप इस नाम को विर्द करना शुरू कर दें, वैसे विर्द करना शुरू कर दें, और जिस शख्स से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं उस शख्स को जहन में लाकर, या अगर वो आपके सामने है तो उस पर दम भी कर दें, तो वो शख्स आपकी बात मानना शुरू कर देगा, जिस तरह से आप चाहेंगे वो आपकी बात मानेगा। तो ये जो अल्लाह का नाम है या अज़ीज़ु, ये इस खास इज्जत हासिल करने के लिए है और अपनी बात मनवाने के लिए। ये दो टॉपिक हो सकते हैं कि आप अपनी बात मनवाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं और इज्जत हासिल करने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने इज्जत हासिल करने के लिए पढ़ना तो आप फजर की नमाज के बाद रूटीन में शामिल करेंगे 41 टाइम आप इस नाम को जो है पढ़ेंगे, और इसको अपने हाथों पे दम करके तो अपने चेहरे पर फेर लेंगे, फिर जिस बंदे से भी आप जिसके भी सामने जाएंगे वो शख्स आपको इज्जत की नज़र से देखेगा। और वैसे किसी से बात मनवानी है तो फिर इसको अनलिमिटेड पढ़ना शुरू कर दें, अनलिमिटेड यानी अनकाउंटेबल, यानी कि बगैर गिने आप इसको पढ़ते रहे, और उस शख्स से अपनी बात कहें जिस शख्स से आप मनवाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात मानेगा। ये बहुत पावरफुल अमल है, ज़रूर कीजिए, और अल्लाह ताला आपको इसको करने की तौफीक अता फरमाए, और इसका 100% रिज़ल्ट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अता करे, आमीन।